चीन से निकले नोवल कोरोना वायरस यानी कोविड 19 ने दुनिया के करीब 2 साल पूरी तरह बर्बाद कर दिए। फिर भी दुनिया ने सख्त कदम उठाकर इस विषाणु का प्रसार रोकने की कोशिश की और वैक्सीन की मदद से काफी हद तक कामयाबी भी हासिल कर ली। इस कामयाबी में चीन सबसे आगे था। एक वक्त एक समय ऐसा भी आया जब दुनिया संकट से घिरी थी और चीन जीरो कोविड देश बन गया, लेकिन यह उतना ही बड़ा भ्रम था जितना कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति पर बना हुआ है। असलियत चीन में फिर दिखने लगी है। आप भी देखिए चीन का हाल जहां शुरू है नया कोरोना काल। ये तस्वीर चीन की जीरो कोविड पॉलिसी के ताजा हालात बयां कर रही है। ड्रैगन लैंड से ही निकले जिस वायरस ने दुनिया को तबाही के करीब पहुंचा दिया था, उससे निपटने के लिए क्रूरता के साथ इस हद तक कम्युनिस्ट सरकार ने सख्ती अपनाई थी, ये तस्वीर उसका अनुभव बता रही है। ये उस चीन का PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वर्तमान है जो भविष्य में विश्व विनाश के लिए हथियार बना रहा है। सड़क पर निकलने की मजबूरी, पलायन और भूख से बिलबिलाते इन लोगों में कोविड 19 का वायरस एक्टिव हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ड्रैगन की क्रूर सरकार ने पॉलिसी इतनी सख्त बना दी है कि एक बार फिर जनवरी 2019 में वुहान जैसा मंजर नजर आने लगा है। और यकीन मानिए ये हालात 2019 से भी ज्यादा बुरे हैं। सख्ती उस वक्त से थोड़ी कम है, लेकिन टॉर्चर उस वक्त से ज्यादा है। मकसद है जीरो कोविड कंट्री। दरअसल चीन में फिर से कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के नए वेरिएंट मिलने की पुष्टि की है, जिसके बाद कोरोना की रोकथाम के लिए चीन की सरकार ने आम लोगों पर अजीबोगरीब प्रतिबंध लगा दिए हैं। सरकार की सख्ती की वजह से ज्यादातर प्रांतों में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है और अब घरों में कैद लोगों को बाहर निकलने के लिए आपातकालीन स्थिति होने की पुष्टि भी करनी होगी। यानी 2019 में जैसे वुहान में प्रतिबंध लगे थे, ठीक वैसे ही प्रतिबंध नए वेरिएंट की वजह से कई प्रांतों में लगाए गए हैं। इसके अलावा कोरोना से निपटने के लिए चीन में तैयारी को भी विस्तार दिया गया है। तैयारी के तहत ज्यादातर शहरों में प्लास्टिक के खास टेंट लगाए गए हैं जिसमें सिर्फ एक इंसान रह सकता है। इन्हीं टेंट्स को क्वारंटीन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा होम क्वारंटीन में भी लोगों को भेजा गया है जिन्हें एक स्मार्ट ब्रेसलेट पहनाई गई है ताकि संक्रमित शख्स को आसानी से ट्रेस किया जा सके, लेकिन होम क्वारंटीन में कोई ढील नहीं है। नतीजतन इस समय चीन के 28 शहरों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। वहीं लॉकडाउन का पालन कराने की जिम्मेदारी सेना को सौंपी गई है। बीजिंग के स्कूल कॉलेज में मौजूद छात्रों को वहीं क्वारंटीन किया गया है। इसके अलावा ट्रक ड्राइवर्स को ट्रक के अंदर ही बंद कर दिया गया है। हालात को समझने के लिए इस वीडियो को देखिए। ये झोंगझाओ में मौजूद चीन की सबसे बड़ी एप्पल आईफोन प्रोडक्शन फैक्ट्री है। हालात ये हैं कि इस कंपनी के कर्मचारियों को इसी इमारत में कैद कर दिया गया है। न खाने की व्यवस्था है, न ही पीने के पानी का इंतजाम। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री से जुड़े हजारों लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, इसलिए इन्हें क्वारंटीन में भेजा गया है। लेकिन हालात बता रहे हैं कि लोग दीवार फांद कर सख्ती से बचने की हर कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।